बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भारतीय सिनेमा का बड़ा चेहरा है। उन्होंने कम उम्र में कामयाबी की जिन बुलंदियों को छुआ है उसकी तारीफ बॉलीवुड के दिग्गज भी करते हैं। हिंदी फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी आलिया की झोली में कई हिट फिल्में हैं। अब आलिया भट्ट बहुत जल्द एक्टर रणबीर कपूर के संग शादी करने जा रही है। इन खबरों के बीच आलिया और रणबीर की कई दिलचस्प बातें सामने आई है। उनकी फर्स्ट डेटिंग, फैमिली रिलेशनशिप आदि। इन्हीं में से एक सवाल आलिया की नागरिकता पर भी उठता है। आलिया भारतीय एक्ट्रेस होने के बावजूद भारतीय नागरिक नहीं है, ये ब्रिटिश नागरिकता को होल्ड करती है। ब्रिटिश सिटीजनशिप होने के चलते आलिया भट्ट वोट नहीं दे सकती है। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में आलिया ने वोट करने वाले अपनी नागरिकता पर बात की थी। बदकिस्मती से मैं वोट नहीं डाल सकती क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अगली बार इलेक्शन में वोट करने की कोशिश करूंगी जब मुझे ड्यूअल नागरिकता मिल जाएगी। आलिया की ब्रिटिश नागरिकता के पीछे उनके पापा महेश भट्ट ने एक दफा बात की थी। उन्होंने कहा था आलिया की माँ सोनी रजदान ब्रिटिश ओरिजिन की है, इसलिए आलिया को ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नागरिकता मिल गई। नागरिकता को लेकर कई बार अक्षय कुमार भी लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता होल्ड करते हैं। आलिया और अक्षय के अलावा बॉलीवुड के कुछ अन्य स्टार्स भी विदेशी नागरिकता रखते हैं। दीपिका पादुकोण, इमरान खान, सनी लियोनी, कैटरीना कैफ भी विदेशी नागरिकता रखते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉली न्यूज़ हब।